दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी आपने देखा इसमें भी आपको एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर एबी सिज नथिंग बट अ स्क्वायर ऑफ साइड फोर सेंटीमीटर तो ये भी साइड फोर सेंटीमीटर है स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती है फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर ओके एंड फोर सेंटीमीटर ऑल साइड्स आर सेम ओके नाउके बी सीडीज स्क्वायर नाव क्वार ऑफ ए सर्कल इज गिवेन टू दिस क्वारंट्स ठीक है याद रखना एक सर्कल को अगर मैं चार हिस्सों में बांट लू तो ये चार अलग अलग क्वार्रेंट्स बनते हैं दिस इज द फर्स्ट क्वारंट दिस इज सेकेंड क्वार्ड्रेंट दिस इज थर्ड क्वारंट एंड दिस इज फोर्थ क्वारेंट चार क्वार्रेंट आपस में मिलकर सर्कल ही बनाते हैं तो ये क्वारेंट है ये क्वारेंट है ये क्वारेंट है ये क्वारंट है, है, है मिलकर एक सर्कल ही बनाएगा इस क्वाड्रेंट का इस क्वाड्रेंट का डायमीटर टू सेंटीमीटर है और इसको आपने स्क्वायर से हटाना है सो इट विल मेक अ सर्कल ओनली ठीक है अगर मैं इन चारों क्वाड्रेंट्स को मिलाऊंगा ओके जो जो साइड में क्वाड्रेंट्स हैं जिनको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ ठीक है इन चारों क्वाड्रेंट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा ओके सबसे पहले मैं टोटल एरिया निकालता हूँ द टोटल एरिया विल बी नथिंग बट द एरिया ऑफ स्क्वायर ठीक है इसमें तो कुछ भी नहीं है बस स्क्वायर है ठीक है तो टोटल एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है ओके okay? सो so, uh, इस तरीके से ठीक है इस तरीके से मैं पहले टोटल एरिया निकालता हूं ओके सो टोटल एरिया विल बी सो द टोटल एरिया विल बी नथिंग बट साइड स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर सो 4 स्क्वायर विल बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द टोटल एरिया ठीक है ओके अब टोटल एरिया में से अब आप लोगों को क्या क्या माइनस करना है एक तो आपको वो क्वाड्रेंट माइनस करना है वो चारों क्वाड्रेंट को आप पहले जो माइनस करना है पहले मैं पहले मैं यहां से निकाल लेता हूं एरिया फोर क्वाड्रेंट्स एरिया फोर क्वाड्रेंट्स इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल ओनली एरिया ऑफ सर्कल विथ डाईमीटर इज गिवेट होम टू सेंटीमीटर डाईमीटर इज गु ठीक है डायमीटर कितना दिया है डायमी दिया है टू सेंटीमीटर तो रेडियस विल भी वन सेंटीमीटर देयर फॉर रेडियस विल भी वन सेंटीमीटर तो इसका एरिया कितना जाएगा एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर रेडियस इज वन पाई वन स्क्वायर सो इट विल बी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ फोर क्वार्स अच्छा बीच में भी एक सर्कल एक है इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर लेता हूं इनको हमें हटाना है माइनस करना है। ये भी एक सर्कल है और इस सर्कल के बारे में क्या दे रेखा है ठीक है जो ये सर्कल है सेंटर पे ठीक है ये टू सेंटीमीटर का है इसको भी रिमूव करना है आपको इसका डायमीटर भी टू सेंटीमीटर का है मतलब ये जो एरिया ऑफ सर्कल है एरिया ऑफ सर्कल एट सेंटर विथ रेडियस अगेन कितना होगा डायमीटर टू है तो रेडियस विल बी वन सेंटीमीटर ओके okay, तो इसका भी एरिया कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई वन स्क्वायर इट विल गोइंग टू गिव यू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो आपको टोटल में से ये जो दो सर्कल uh, के रेडियस आ रहे हैं पाई एंड पाई दैट यू हैव टू रिमूव ठीक है इसका मतलब देर फोर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल गोइंग टू बी सिक्सटीन माइनस पाई माइनस पाई ठीक है So it will going to be 16 minus 2 pi. Pi ki value rakho. Put the value of pi as you all know that pi is equal to 22 upon 7. So 16 minus 2 into 22 upon 7. It will going to be 16 minus uh, 44 upon 7. You can take 7 LCM. Okay. Or 16 into 7 will be 7, 6, of 42, carry 4. 7, the 7, 8, 9, 10, 11, 112 minus 44 upon 7 so 12 minus 4 will going to give you 8 and 10 minus 4 68 upon 7 60 upon 68 upon 7 centimeter square will be the answer